गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट? एंड सबसे पहले हम सो सॉरी गाइस, मैं आप लोगों की मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, ना ही दो चार दिनों से कोई वीडियो बना पाई हूँ, क्योंकि पिछले चार पाँच दिनों से, मतलब आफ्टर द सेटेड पोर्टल, मेरा तबीयत इतना ख़राब हो रहा है कि मुझे बेड रेस्ट लेना पड़ा, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी बहुत हैवी था एंड इसके साथ साथ डिवाइन मेरी भी कुछ टेस्ट ले रहा था, जिसमें मैं बड़ी मुश्किल से पास हुई हूँ। ओके, तो इस वक्त अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, जैसे कि सडनली आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, अचानक से फीवर हो रही है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत हाई हो रही है, इंडाइजेशन, वोमिटिंग, हेडेक एंड बॉडी में रैशेस, या फिर आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है इस वक्त, तो इसका मतलब आपकी कोई डिवाइनल टेस्ट चल रही है, या फिर आपकी रीबर्थ प्रोसेस, आपकी कोई लाइट बॉडी एक्टिवेशन हो रही है, जिसका सिम्टम्स आपको आपकी बॉडी के थ्रू दिख रही है, ठीक है? एंड ये एनर्जी शिफ्टिंग का भी सिम्टम्स है, न्यू लाइट कोर्स एक्टिवेशन का भी सिम्टम्स है, या फिर अगर आप एक हाईली अवेकेंट सोल है एंड आप इनर यूनियन को अपने अंदर अचीव कर चुके हैं, तो ये आपके आउटर ट्विन का रीबर्थ प्रोसेस का सिम्टम्स है। ओके, तो इस वक्त आपको अचानक से आपका ट्विन का कोई कॉल या फिर कोई मैसेज आ सकता है, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे कि वो आपको ऐसे सडनली कॉल या फिर मैसेज करने वाले हैं। ओके, क्योंकि देखिए गाइज, अब उनकी रीबर्थ प्रोसेस चल रही है, तो उनको आपकी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ओके, उनको आपकी एनर्जी की क्रेविंग इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो ज़रूर आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड आप दोनों की बातें भी हो सकती है, एंड उनसे आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी मिलने वाली है, एंड आपसे भी उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलने वाली है, क्योंकि रीबर्थ प्रोसेस के टाइम दोनों ट्विन्स को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलता है, एंड ट्रिगर मिलना बहुत ज़रूरी भी है, नहीं तो आप दोनों की सोल ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है? तो इस वीडियो को देख के आप लोग 24/7 अपने मोबाइल को पकड़ के मत बैठिए, एंड ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि उनका कॉल या फिर उनका कोई मैसेज आ जाएगा तो आप उनसे कमिटमेंट की बातें या फिर शादी की बातें करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, क्योंकि वो अगर आपको कॉल कर भी लेते हैं तो आप दोनों के बीच स्मूथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। ओके, क्योंकि ये बस एक ट्रिगर के लिए ही डिवाइन प्लानिंग किए हैं, वो आपसे बात करने के लिए आपको कांटेक्ट तो कर लेंगे, बट आपको वो ट्रिगर करके चले जाएंगे जब आप बात करने लगोगे, तो वो आपको अवॉइड करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपका जो पर्सन है वो आपसे कमिटमेंट, शादी एंड सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए अभी तैयार नहीं है, ठीक है? तो जो डिवाइन फैमिली इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आपका जो पर्सन है वो उनकी तरफ से कॉल कर रहे हैं, तो आप उनसे कमिटमेंट, शादी एंड सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप उनसे नॉर्मली बात कीजिए, क्योंकि उनको अभी आपकी हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है? तो उनका माइंड उतना, मतलब स्टेबल अब नहीं है कि वो सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करें, आपको कमिटमेंट या फिर शादी की कोई ऐसे बातें करें जो आपकी जो ये जो रिलेशनशिप है इसको आगे की ओर लेके जाएँ, ठीक है? क्योंकि दोनों ट्विन्स का जो एनर्जी अभी है ये रिवर्स चल रही है, ठीक है? जिसकी वजह से आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को इस 3D में रिपेल करेगी, ठीक है? बट 5D में आप दोनों की जो कनेक्शन है ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इस ट्रिगर के बाद आपका जो पर्सन है, आपका जो डिवाइन मास्टरलाइन है, वो आपको लेके बहुत सीरियस होने वाले हैं। ओके, तो इस वक्त आपके जो डिवाइन मास्टरलाइन है उनकी जो एनर्जी है, उनकी लाइफ में अब बहुत बड़ा मेजर शिफ्टिंग आ रही है, बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? तो जो भी उनके एंसेस्ट्रल ट्रॉमा है वो सब कुछ इस वक्त उनके सामने आ रहे हैं, उनकी DNA का डीप क्लिंजिंग भी इस वक्त चल रही है, तो इस वक्त वो बहुत सारे पेन एंड बहुत सारे प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, ठीक है? या फिर कोई ऐसा ओंड जो वो उनकी बचपन से कैरी करके आए हैं, वो सारे एनर्जी सरफेस में आ रहे हैं, ठीक है? तो वो इन सारी चीज़ों को अपने आंखों के सामने फिर से देख के बहुत डर भी रहे हैं, इसलिए वो आपके पास ज़रूर आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी ही उनको हील करेगी। ओके, तो आपका पर्सन अगर आपको इस बात कॉल या फिर मैसेज कर रहे हैं तो आप उनसे नॉर्मली बात कीजिए।
आप ये मत सोचिए कि वो उनकी तरफ से कॉल कर रहे हैं तो आप उन्हें प्रेशराइज करेंगे, आप उन्हें शादी के लिए या फिर कमिटमेंट के लिए प्रेशराइज करेंगे, ठीक है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि वो धीरे धीरे अवेकन हो रहे हैं, वो धीरे धीरे ये सब फील कर रहे हैं, ये कनेक्शन को भी समझ रहे हैं, तो वो ज़रूर आपको लेके एक टाइम पर सीरियस हो जाएंगे एंड उनकी तरफ से वो आपको कमिटमेंट एंड शादी के लिए भी प्रपोज करेंगे, ओके। तो इस टाइम में आपको उन्हें थोड़ा हील करना है एंड उन्हें उनके अवेकनिंग में आपको मदद करना है, ओके। एंड मुझे आपकी पर्सन की जो एनर्जी अभी फील हो रही है वो यही चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा समझे, उनकी जो सिचुएशन अभी है ये सही होने का इंतज़ार आप कीजिए। जब वो टाइम आ जाएगा वो ज़रूर आपके लिए स्टैंड लेंगे। एंड इमोशनली अगर देखा जाए तो वो इस वक्त बहुत इमोशनल हो रहे हैं, वो बहुत दुख में है, क्योंकि आप दोनों की ये जो रिलेशनशिप है ये आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है। ना ही वो आपको कमिटमेंट दे पा रहे हैं, ना ही वो आपको लेट गो कर पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों की ये जो सिचुएशन है ये एक जगह पर स्टक हो गई है, ओके। तो अभी आप दोनों की एनर्जी रिवर्स तो चल रही है, बट दोनों ट्विंस का जो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी है, आप दोनों की एनर्जी का फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इस बात को सोच के जितना पेन आपको हो रही है आपसे कई गुना ज़्यादा पेन आपकी पर्सन को हो रही है, ठीक है। वो आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, उनको इतना ज़्यादा पेन फील हो रहा है जो पेन आप उनकी एक्टिविटीज़ में देख पा रहे होंगे, ठीक है। उनकी सोशल साइड में या फिर ऐसे कोई साइड वाला पोस्ट के थ्रू वो उनकी पेन को सोक कर रहे होंगे, ओके। क्योंकि आप दोनों की लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रही है, जो बदलाव आप दोनों की जो रिलेशनशिप है आप दोनों की रिलेशनशिप को आगे की ओर लेके जाएगी, ठीक है। तो पेन में आप दोनों को गो थ्रू करना ही पड़ेगा, ओके। आप लोगों को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू में गुजरना पड़ेगा जिसमें आपको पास करके आगे निकल जाना है, ठीक है। तो आप इस पेन की वजह से इस जर्नी को छोड़ने का बेवकूफ़ी मत कीजिए, क्योंकि आप इस जर्नी के लिए ही चुने गए हो एंड जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं सबको पेन मिलता है, ठीक है। आप लोगों से कई गुना ज़्यादा पेन मुझे भी मिली है, ओके। मेरी हिम्मत बहुत बार टूटी है, ठीक है, फिर भी टूटने के बाद मैं आगे बढ़ी हूँ, ठीक है। एंड जो हाईली अवेकन डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन है, आप लोग अगर इस टेस्ट में पूरी तरह पास हो जाएंगे ना तो आप लोगों की यूनियन बस 2-4 महीने के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट आप लोगों की यूनियन का फाइनल टेस्ट है, ठीक है। तो आप लोगों के सामने अभी जितने भी सारे इल्यूजन आ रहे हैं आपको उन सारे चीज़ों के साथ लड़ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इसी टाइम के दौरान आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आने वाले हैं आपकी लाइफ में, आपकी कार्मिक, आपकी सोलमेट एंड और भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं, ठीक है, जिन लोगों के और आप आसानी से अट्रैक्ट भी हो सकते हैं उनकी बातों से या फिर उनकी लुक से या फिर ऐसी कोई इमोशन उनके साथ आपकी जुड़ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये जो इमोशन है ये आपकी ट्रू फीलिंग्स है, ठीक है, ओके। एंड उन लोगों के साथ आपकी ये जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को आप आपकी ट्रू फीलिंग समझ के उनके साथ रिलेशनशिप में जाने का गलती भी आप लोग कर सकते हैं इस वक्त, ठीक है। तो आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहे है तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। आप लोगों को हमेशा अपनी सोल की आवाज़ को सुनना है एंड अपनी ट्विन को ही चूज़ करना है। आप चाहे पेन की वजह से पूरी तरह टूट भी क्यों ना जाए, आपको फिर भी आपकी ट्विन को ही चूज़ करना है, क्योंकि डिवाइन आपकी लॉयल्टी का टेस्ट ऐसे ही लेता है। आपका माइंड आपकी ट्विन के अगेंस्ट हो जाता है, बट आपकी जो सोल है आपकी सोल हमेशा उनको ही चूज़ करता है, क्योंकि आपकी सोल को सारे सच्चाई पता होता है, ठीक है। तो जो भी लोग बहुत सारे पेन में गुजर रहे हैं आपको बस 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा, ये जो एनर्जी है ये एनर्जी चेंज हो जाएगा, ओके। क्योंकि हमारी न्यू मून आ चुकी है तो आप लोगों की जो एनर्जी है, आप अगर बहुत सारे पेन में अभी है तो ये पेन भी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मून का फेज गुजरता जाएगा आपकी जो पेन है ये भी धीरे धीरे हील होता जाएगा, ओके। तो गाइज इस वक्त आपके सामने ये जो इल्यूजन्स आ रहे हैं, ये जो टेस्ट आ रहे हैं, अगर आप उन सारे टेस्ट में पास हो जाते हैं ना तो इसके बाद आपकी यूनियन पक्की है, ठीक है। बट आपको इस वक्त पूरी तरह लायल रहना है एंड आपको अंदर से फील हो जाएगा कि आप अंदर से कितना प्योर है, कितना डिवोटेड है। आप अगर इस वक्त कोई बैड कर्मा कर रहे हैं तो आपकी यूनियन डिले हो जाएगी। बट जो लोग बार बार टूटने के बाद भी
अपने ट्विन को ही चूज़ कर रहे हैं एंड डिवाइन में सरेंडर होके अपना इनोवा कर रहे हैं, तो आप लोगों की यूनियन अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर के अंदर ही पक्का होने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों को बस सब पेशेंस को प्रैक्टिस करना है एंड लॉयल रहना है, ओके। क्योंकि आपने आपकी लाइफ में ऐसे कई सारे टेस्ट में गो थ्रू कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं, राइट। तो आप उन सारे लेसन्स को याद करके इस टेस्ट में भी पास होने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड इस टेस्ट में सबसे बड़ा इल्यूजन है थर्ड पार्टी। तो आप अगर किसी और पर्सन की ओर अट्रैक्टेड होने से आपने आपको बचा लिया, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी जो यूनियन है ये कितनी फास्ट हो जाएगी, ओके। क्योंकि लॉयल्टी एंड पेशेंस, ये दोनों चीज़ें ही आपको एक ट्रू डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन बना देती है, ठीक है। जो लोग लॉयल्टी एंड पेशेंस को पूरी तरह प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिनके अंदर अब कोई भी ईगो का इशू नहीं है, आप लोग हाईली अवेकन हो चुके हैं, ठीक है। आप अपनी ट्विन की हर एक एक्टिविटीज़ को समझ सकते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब वो डिवाइन ही उनसे करवा रहा है, ठीक है। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया ना, तो आप दोनों की यूनियन होने से कोई और रोक नहीं सकता, ठीक। तो जो लोग इतने सारे इनोवा करने के बाद भी आपकी यूनियन नहीं हो रही है, तो आप खुद से ये सवाल जरूर कीजिए कि क्या सच में आप उतना लॉयल है कि अगर आपका ट्विन एक दो साल के लिए आपसे बात ना करे, वो आपसे बहुत दूर चला जाए, एंड उसी टाइम के बीच अगर आपके सामने आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आ जाए जो आपके ट्विन के जैसा दिखता हो या फिर आपके ट्विन के जैसा पर्सनैलिटी हो, एंड वो पर्सन अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहे, तो क्या आप तभी भी आपके ट्विन को चूज़ करोगे जिसका कोई खबर आपके पास नहीं है? तो अगर आपका आंसर येस है, तो आप लोग श्योर हो जाए कि आपने लॉयल्टी को पूरी तरह प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो लॉयल्टी इस जर्नी के लिए बहुत ज़रूरत है, एंड वो लॉयल्टी ही आपके अंदर है, वो पेशेंस आपके अंदर है, ओके ओके। तो आप लोगों की यूनियन खुद डिवाइन करवाएगा, आपको बस इस जर्नी पे, डिवाइन पे एंड खुद पे भरोसा रखना है, ओके। तो इस वक्त ये जो डिवाइनल टेस्ट चल रही है, इस एनर्जी की वजह से आपकी बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई भी हो सकती है, आपको अचानक से फीवर, इंडाइजेशन, हेडेक एंड पूरी बॉडी में रैशेस, वोमिटिंग एंड बार बार आपकी मूड स्विंग भी होता रहेगा, ठीक है। इसलिए जितना हो सके आप पानी पीजिए, एंड आपकी बॉडी अगर ज़्यादा गर्म हो रही है तो आप दिन में दो बार नहाइए एंड हेल्दी फूड खाइए। हीलिंग बहुत ज़रूरत है इस वक्त आपको, ठीक है। तो आप खुद को हील करते रहिए एंड अपनी पूरी एनर्जी को ग्राउंडिंग करिए, ठीक है। इससे आप जल्दी हील हो जाएंगे, ओके। एंड गाइस, आपकी जो मास्कुलिन है उनकी लाइफ में अब बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी को मैं एक अलग से वीडियो में लेकर आऊँगी, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि उनके साथ अब क्या क्या हो रहे हैं, ठीक है। आप बस इतना जान लीजिए कि उनकी रीबर्थ प्रोसेस चल रही है, तो वो बहुत पेन में गुजर रहे हैं, इसलिए वो अगर आपसे बात करने के लिए कॉन्टैक्ट करे, तो आप उनसे थोड़ा नॉर्मली बात कीजिए। उनको आपको प्रेशराइज नहीं करना है, ठीक है। उनको आपकी हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप उन्हें थोड़ा हीलिंग भेजिए, ओके। सो यही था फिलहाल न्यू मून की एनर्जी जो अभी कलेक्टिव में चल रही है। आई होप ये एनर्जी आपसे रिजोनेट कर रही है। अगर ये एनर्जी अपडेट आपसे रिजोनेट कर रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एंड ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ओके। एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है, तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।